तरंग प्रकाशिकी में क्या होता है, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। रे ऑप्टिक्स का मतलब है किरण प्रकाश, ठीक। तो सबसे पहले शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, न्यूटन ने थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में इसके बारे में बताया लाइट के बारे में। तो पहले कौन सा सिद्धांत दिया था उन्होंने, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, या जिसको कहते हैं न्यूटन कणिका सिद्धांत। न्यूटन कणिका सिद्धांत क्या था? न्यूटन कणिका सिद्धांत यह था कि जो लाइट है वो कणों से मिलकर के बनी है। जैसे ही किसी जगह पर लाइट उत्पन्न होती है, कोई स्रोत प्रकाश उत्पन्न करता है, तो वो अपने अंदर से, उन्होंने कहा कि कण निकालता है, छोटे छोटे कण निकालता है, और उन कणों के रूप में ये प्रकाश आगे बढ़ता है। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो कण दिए हुए हैं, ठीक है ये कण तो है, लेकिन रंग अलग अलग कैसे होते हैं प्रकाश के? तो उन्होंने कहा कि जो रंग डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो रंग हैं वो इनके कणों के आकार के कारण होते हैं। आकार छोटा है या आकार बड़ा है तो कलर अलग अलग हो जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि हमें दिखता कैसे है? तो उनका कहना है कि जब कभी भी कण हमारे आंखों पर पड़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि हाँ कुछ लाइट वाइट आ रही है, ठीक है ना। जैसे धूल के कण एकदम अचानक आंखों में आ जाए तो सेंसेशन होता है कि नहीं, ऐसे वो कहते हैं कि लाइट के कण जब हमारी आंखों में गिरते हैं पड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ लाइट आ गई है। उन्होंने एक बात और कही कि सघन माध्यम जो होता है, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है और विरल माध्यम में कम होता है, जबकि बाद में ये प्रूफ हुआ कि विरल में ज्यादा होता है, सघन में कम होता है। तो ये जो सिद्धांत है न्यूटन कणिका सिद्धांत, वो प्रकाश के परावर्तन को, अपवर्तन को, ठीक है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव को, उत्सर्जन को, इसको तो समझा सका था, लेकिन विवर्तन, पोलराइजेशन, इंटरफियरेंस यानी व्यतिकरण, इनको एक्सप्लेन नहीं कर सका, इसलिए यहां पर यह सिद्धांत फेल हो गया, ठीक है। तो बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए, कौन से? हाइजन ने ये कहा कि प्रकाश तरंगें हैं, और क्योंकि उनको विवर्तन समझाना था, व्यतिकरण समझाना था, तो इसलिए उन्होंने तरंगिका सिद्धांत दिया, और उसको हम हाइगन्स तरंग थ्योरी भी कहते हैं। हाइगन्स तरंग थ्योरी क्या है? वो कहते हैं कि जैसे ये लाइट सोर्स है, प्रकाश है, एस प्रकाश स्रोत है, तो ये अपने चारों तरफ तरंगें भेजता है, तरंगें निकाल रहा होता है, उन तरंगों के रूप में प्रकाश आगे बढ़ता है। तो तरंगों को चलने के लिए कोई माध्यम चाहिए, क्योंकि तो शुरुआत में उन्होंने कहा कि ये माध्यम में तरंगें चलती हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने एक कल्पना कर ली कि एक काल्पनिक पदार्थ भरा हुआ है जिसको कहते हैं ईथर, ठीक है, उनका नाम दिया गया उसका ईथर। पूरे ब्रह्मांड में काल्पनिक पदार्थ ईथर भरा हुआ है, और उस ईथर में जब कहीं भी कोई प्रकाश स्रोत लाइट उत्पन्न करता है तो वो तरंगें उस ईथर में आगे फैलती हैं। जैसे पानी में कोई किसी जगह पर पत्थर डाल दो तो तरंगें फैल जाती हैं हर जगह पर, तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि अगर ईथर में अगर कहीं पर हम एक प्रकाश स्रोत के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करें तो वो तरंगें ऑल डायरेक्शन में हर संभव दिशाओं में फैलती है, और इतने ज्यादा वेग से चलती है, इनकी स्पीड हाई होती है। जब स्पीड हाई है तो माध्यम की जो प्रत्यास्था है वो बहुत बहुत ज्यादा होनी चाहिए और उसका घनत्व बहुत बहुत कम होना चाहिए। तो ये कल्पना की कि जो ईथर भरा हुआ है काल्पनिक पदार्थ, उसकी प्रत्यास्था मैक्सिमम है जितनी हो सकती है, और उसका घनत्व जितना कम से कम हो सकता है वो घनत्व कम से कम है, ठीक है। तो ये तरंग प्रकाश की हुई। इसमें फिर उन्होंने ये कहा शुरुआत में कि ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, लेकिन भाई बाद में एक फ्रेनल साइंटिस्ट थे जिनके साथ ही काम करते थे, तो इन्होंने मिलके बताया कि ये पोलराइजेशन यानी ध्रुवण को अगर समझाना है, अगला चैप्टर अपना ध्रुवण ही आएगा इसमें वेव ऑप्टिक्स में, तो ध्रुवण को अगर समझाना है तो उसमें अनुदैर्ध्य तरंगें नहीं चलती, उनके लिए उसके लिए तो हमें अनुप्रस्थ तरंगों की आवश्यकता होती है, तो इसलिए प्रकाश अनुदैर्ध्य नहीं होगा। कैसी तरंगे होंगी? अनुप्रस्थ तरंगें रही होंगी, तो इसलिए बाद में फिर प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंगें माना गया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी थ्योरी दी और डिटेल में अपन समझते हैं। इसके बाद उन्होंने
एक छोटी छोटी डेफिनेशन दी। एक होती है वेवलेट, वेवलेट तरंगिकाएं जिसको कहते हैं, तरंगिकाएं। और दूसरा पॉइंट है वेव फ्रंट, तरंगाग। ठीक है, तरंगिकाएं और तरंगाग, इनको समझें क्या होता है। वेवलेट्स क्या होती हैं? जैसे यहां कहीं एक प्रकाश स्रोत एस है, उसने क्या किया, प्रकाश उत्पन्न किया इथर के अंदर। तो इथर में, इथर तो माध्यम माना उन्होंने, तो माध्यम के कण क्या करेंगे, दोलन करेंगे। ठीक है, माध्यम के कण कण दोलन करते हैं, तो जो कण समान कला में दोलन करते हैं उनको मिला दो इस एस के चारों तरफ ऐसे। ये मैंने जो डॉटेड लाइन खींची, ये कण हो गए। तो चूंकि प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर है, ये सभी कण समान कला में कंपन करेंगे। जैसे आपने स्थिर विद्युत में समविभवी पृष्ठ पढ़ा था, समविभवी पृष्ठ कैसा पृष्ठ था, जिसके पृष्ठ पर हर बिंदु का विभव समान होता है, वैसे इसमें, वहां हमने यहां पर चार्ट रखा था और एक स्फीयर बना लिया था, तो गोलीय समविभवी पृष्ठ बन गया था। यहां पर प्रकाश स्रोत है, उससे आर दूरी का एक हमने क्या बना लिया, आर त्रिज्या का एक गोला बना लिया। उस गोले पर जितने कण होंगे वो समान कला में कंपन करेंगे। तो इन सभी कणों को मिला दिया जाए तो एक जो लोकस बनता है, इसको बिंदु पथ कहते हैं, वो बिंदु पथ बनता है उसको कहते हैं तरंगाग्र। और इसको क्या कहते हैं, जो बिंदु बन रहे हैं, वेवलेट्स, तरंगिकाएं। ठीक है, तो इन बिंदुओं को कहा जाता है तरंगिकाएं। और इन्हीं सब बिंदुओं को मिला दिया जाए तो वो बनते हैं क्या, तरंगाग्र। ठीक है, अब न्यूटन हाइगन ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो तरंगिकाएं होती हैं, ये वेवलेट्स होती हैं, स्वयं प्रकाश स्रोत का काम करती हैं। मेन प्रकाश स्रोत तो ये है, लेकिन ये जो बिंदु है ये खुद एक नया प्रकाश स्रोत बन जाएगा, जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट्स कह सकते हैं या द्वितीयक प्रकाश तरंगिकाएं कह सकते हैं। द्वितीयक प्रकाश स्रोत बन गया, दूसरा प्रकाश स्रोत बन गया। तो ये अपना फिर से चारों तरफ कैसे बनाएगा, ऐसे वृत्त बना, ऐसे सर्कल बनाएगा, सर्कल मतलब स्फेयर बनाएगा, क्योंकि जैसा एस ने किया वैसा ही ये सब भी करेंगे। तो ऐसे ही जब ये सब करेंगे तो ये अपने चारों तरफ फिर एक गोला बना लेंगे सभी के सभी, क्योंकि ये भी तो एक क्या है, प्रकाश स्रोत का ही काम कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका, ये गोला बना लिए मैंने ऐसे, ये प्रकाश स्रोत बन गए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये जो पॉइंट बन रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं, ये इसकी द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। इधर भी द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी, ऐसी सबकी बनेंगी। ठीक है ना, इन सब के टेंजेंशियल, इन सब के ये जो लाइन है, इन सबको ऐसे मिला दो तो ये बना फिर से क्या, एक तरंगाग्र। इधर तरंगाग्र बन गया। ठीक है, ऐसे ही तरंगाग्र क्या होता है, आगे बढ़ता है। इस तरंगाग्र पर जितने बिंदु होते हैं वो सब क्या काम करते हैं, द्वितीयक स्रोत का काम करते हैं, उनके अपने अपने तरंगाग्र बनते हैं। फिर उन पर जो पॉइंट्स होते हैं वो फिर उनके अपने अपने तरंगाग्र बनते हैं, फिर उन पर जो पॉइंट होते हैं वो अपने अपने, ऐसे हजारों करोड़ों अरबों खरबों गिन नहीं सकते, इतने तरंगाग्र के रूप में आगे ये बढ़ते हैं। और धीरे धीरे ये इनका जो आकार है, ये आप देख रहे हो ना, ये गोला जो दिख रहा है उसका आकार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और अंत में यहां कहीं बहुत दूर कैसा हो जाता है, ऐसा समतल हो जाता है। समतल में भी यही पॉइंट इस तरह से होंगे। ठीक है, क्योंकि गोले बहुत बड़ा गोला है तो उसके पृष्ठ पर देखो, वो पृष्ठ कैसा दिखता है आपको, समतल। पृथ्वी बहुत बड़ा गोला है, यहां देख रहे हैं तो अपने को कैसी दिख रही है, फ्लैट है तो गोला। ऐसे ही जब ये बड़े होते जाते हैं तो ये लास्ट में बहुत दूर जाकर के अपने को समतल दिखता है, तो ये तरंगाग्र। और इन तरंगाग्रों के लंबवत अगर हम कोई ऐसी लाइन खींच दें तो इन लाइनों को कहते हैं क्या, प्रकाश किरण। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, ये प्रकाश किरणें हैं और ये है तरंगाग्र। ठीक है, तरंगाग्र हमेशा आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाता। आप कहोगे ये पीछे भी तो मिला सकते थे, उसका कारण यह है कि तरंगाग्रों का जो आयाम होता है,
तरंगाग्र का आयाम एम्पलीट्यूड ये समानुपाती होता है वन प्लस कॉस थीटा बटे दो के। ये हम कहीं प्रूफ कर सकते हैं वन प्लस कॉस थीटा बाई टू के। अब सोचो अगर ये आगे बढ़ना है तो थीटा जीरो होगा, पीछे लौटेगा तो थीटा 180। तो अगर पीछे लौटने वाले के लिए थीटा 180 लिख दूं तो 1 180 कॉस 180 माइनस 1 होता है तो जीरो हो जाएगा, मतलब तो आयाम ही क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी कि पीछे जो जाने वाली तरंगाग्र हैं उनका आयाम शून्य है, यानी वो पीछे जाएंगी नहीं, उनको कंपन करेंगे नहीं, आगे के कण ही कंपन करते हैं। तो हम उन्हीं में आगे फॉरवर्ड तरंगाग्र बनाते हैं, पीछे बैकवर्ड तरंगाग्र नहीं बनाते। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात हुई वेव फ्रंट की और ये हो गई वेवलेट्स। अब तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है तो इसकी प्रकार देखें, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। एक तरंगाग्र होता है गोलीय, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि क्या था, समविभवी पृष्ठ था, गोलीय तरंगाग्र। एक होता है बेलनाकार सिलेंड्रिकल जिसको बोलते हैं, एक होता है समतल समतल तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र क्या होता है, जब स्रोत कैसा हो, बिंदुवत, जैसे यहां पॉइंट सोर्स है, लाइट का सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स है, तो तरंगाग्र कैसा बनेगा, गोला। जैसे वहां बिंदु आवेश था तो बिंदु आवेश के कारण कैसा बनता था, गोलीय समविभवी पृष्ठ बनता था कि नहीं, तो गोलीय तब बनेगा जब स्रोत कैसा हो, बिंदुवत, स्रोत बिंदुवत। और बेलनाकार तब बनेगा जब स्रोत कैसा हो, लाइन हो, रेखीय हो, ट्यूबलाइट टाइप का। समतल तब बनेगा जब स्रोत दूर हो, बहुत दूर हो, कैसा भी हो, गोलीय हो, बेलनाकार हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बहुत दूर है तो उसका कैसा बनता है, समतल बनता है। जैसे ये समतल बनाता, ये हुआ समतल तरंगाग्र। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको तरंगाग्र की दी। अब आगे बढ़ते हैं, ये फटाफट कॉपी करो।